Hello everyone, welcome to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today we are going to start a new topic, coordination compounds, and we'll start it from the 12th class basic level and then we'll rise the level according to the questions which come in the exam frequently. Okay, so kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find this video useful, kindly like it. So let's start. Coordination chemistry. Coordination chemistry एक completely new term है जो 11th class में introduce की जाती है. Okay, and कोई भी जब हम new topic पढ़ रहे हैं तो उस topic में क्या है, उसमें ऐसी क्या important बात है कि हम उसको read कर रहे हैं, हम उसको study कर रहे हैं from exam point of view, from our life point of view, वो हमें पता होना चाहिए. So coordination compounds की अगर हम बात करें तो coordination compounds widely use में है, उनके applications बहुत ज्यादा है. एंड साइंस की बात ही यही है कि जब भी कोई भी ऐसी चीज होगी जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जितनी ज्यादा कर सकते होंगे, उतना ही ज्यादा वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसको हम कह सकते हैं, वो भी एक ऐसा ही टॉपिक है. एंड ये टॉपिक आपको हमेशा मिलेगा. आप 12th करें, उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री फील्ड में कुछ भी करते हैं, लाइक ग्रेजुएशन करते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो हायर से हायर लेवल पे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है हर एग्जाम में. सो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में खास बात क्या है, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक ट्रांजिशन मेटल जरूर प्रेजेंट होता है. जैसे हमारे आयरन हो गया, ओके, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, इनमें से कोई ना कोई जरूर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा. ओके, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसकी वाइड एप्लीकेशंस है. ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं. केमिकल एनालिसिस जो हम करते हैं ना लैब्स में, टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं, पता करते हैं कि कौन से सब्सटेंस में क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन से आयंस प्रेजेंट है. जो हम सॉल्ट्स का भी एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो काफी जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करके हम उस एनालिसिस को इजी बना लेते हैं. इसका बहुत ज्यादा यूज है. ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कि वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. सो वाटर की हार्डनेस कितनी है, उस हार्डनेस को स्टडी करने के भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है एक EDTA का, उसको यूज किया जाता है. ओके, इसी तरह से इनका बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ज्यादा रोल है. लाइक आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए. अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है. एंड जो क्लोरोफिल होता है उसी के अंदर हमारा मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली जो क्लोरोफिल है वो भी क्या है, एक मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है. ऐसे ही हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. सो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, वो भी आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. सो मतलब हीमोग्लोबिन जैसी चीज जो हमारी बॉडी को वर्क करा रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हम अलाइव है, उसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो भी एक. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हो गई इनकी इंपॉर्टेंस. सो अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को और कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी हुई. सो हम देखेंगे अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिस्कवरी कैसे हुई. जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिस्कवरी की बात हुई तो सबसे पहले हमारे एक स्विस केमिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर या कैसे होते हैं उसके बारे में एक थ्योरी दी थी, दैट इज वर्नर्स थ्योरी. उनकी थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि दो टाइप के लिंकेजेस या फिर वैलेंसी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो शो कर सकता है. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है दैट इज कोबाल्ट. सो उन्होंने यही कहा कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप के लिंकेजेस शो कर सकता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाले आयंस हैं वो हमारे प्राइमरी वैलेंसी होती है, और जो ब्रैकेट के अंदर मेटल से जो जुड़े हुए हमारे न्यूट्रल या फिर आयंस प्रेजेंट होते हैं वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है. सो इस केस में जो हमारे तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, एंड सिक्स NH3 मॉलिक्यूल्स डू द सेकेंडरी वैलेंसी. सो इनके बीच में डिफरेंस हम समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट.
फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल वेयर इज सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल. सो ये जो तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है जो बाहर प्रेजेंट है वो आयनाइज हो सकते हैं. जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाएंगे. बट जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले एनएचसी मॉलिक्यूल्स है आपको ये नेगेटिव यहाँ पे आता है आयन तो वो सेपरेट नहीं होता. वो मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ ही जुड़ा रहता है. दैट इज दे आर नॉन आयनाइजेबल. सेकेंड पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस वेयर इज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशीज. आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है सीएल वो नेगेटिव आयन है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया से सेटिस्फाई किया हुआ है. थर्ड पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी हेल्प्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. ठीक है, अगर प्राइमरी वैलेंसी हमें पता है तो उससे हम जो सेंट्रल एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं. वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहता है, इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. यानी कि जो ये छह एनएचथ्री के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है. यही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है. मतलब इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6. अगर हम नीचे वाले कंपाउंड में देखें तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 2 बिकॉज ऑफ 2 क्लोराइड आयंस एंड इट इज सेकेंडरी वैलेंसी इज 4 बिकॉज ऑफ 4 एनएचथ्री अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4. लास्ट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल वेयर सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल. अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें यानी कि जो तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बाहर है वो नॉन डायरेक्शनल है. मतलब कोबाल्ट के आसपास वो कहीं भी हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं है, ना ही उसके डायरेक्शन की कोई बात की गई है. जबकि हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करिए जो छह एनएचथ्री के मॉलिक्यूल्स है ना ये कोबाल्ट से किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं एक एक चीज को ज्योमेट्री के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है. मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर. So with this we have completed the difference between primary valency and secondary valency. इसके बाद जो 12th class में coordination compound का जो next important topic है that is the difference between double salt and the coordination complex. है ना, salts हमने पढ़े हैं. वैसे double salts होते हैं जिसमें दो salts included होते हैं. तो double salt और coordination compound में क्या difference है वो हम अब discuss करते हैं. डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ओके, डबल सॉल्ट दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज. डबल सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें किसी भी सॉल्यूशन में डाल दें उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो क्या होता है कि जो उसके आयंस है वो सेपरेट हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है. गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म्ड. उस डबल सॉल्ट के अंदर जितने भी आयंस होंगे वो उस सबके टेस्ट देगा. जैसे पोटैश एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट, K2SO4.Al2SO43.2H2. इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे K प्लस आयन प्रेजेंट है, SO4 2 माइनस आयन प्रेजेंट है एंड Al3 प्लस के आयन प्रेजेंट है ना. तो जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये K प्लस का भी टेस्ट देता है इंडिविजुअली, SO4 2 माइनस का भी देता है एंड Al3 प्लस का भी देता है. अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो एक डबल सॉल्ट है. टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनसे अलग होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते. अगर उनका सॉल्यूशन भी बना रहे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिटी एज इट इज रहती है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होते, ना कोई नए आयंस बनाते हैं. दे डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस. उनके अंदर जो सारे आयंस प्रेजेंट है वो उन सब में डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सिर्फ काउंटर आयन होते हैं ना, जो बाहर वाला आयन होता है सिर्फ वो सेपरेट होता है और जो बाकी हमारा एनआईन केटायन होता है वो एज इट इज रहता है. ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हम देखें K4FeCN6, तो इसमें होने क्या चाहिए थे, K प्लस आयन, Fe2 प्लस आयन एंड CN माइनस. इनको इस सब का टेस्ट देना चाहिए था, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि ये, तो ये K प्लस जो बाहर काउंटर है उसका टेस्ट तो देता है बट Fe2 प्लस का भी टेस्ट नहीं देगा और CN माइनस का भी टेस्ट नहीं देगा. बल्कि एक न्यू जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी Fe CN6 4 माइनस जो यहाँ पे सेपरेट हुई है, K प्लस और Fe CN6 4 माइनस से जो बनी है उसका टेस्ट देगा. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में यही डिफरेंसेस है कि डबल सॉल्ट सब आयंस का टेस्ट देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब आयंस का टेस्ट नहीं देता है. कोऑर्डिनेशन एंटिटीज फॉर्म करता है और डिसोसिएट नहीं होता है इनटू ऑल ऑफ द आयंस व्हिच वर इन्वॉल्वड अर्लियर. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनका क्या रोल है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे. उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिगेंड्स, जो आपके लिए बहुत नई टर्म है. ठीक है, तो हम सबसे पहले सारे टाइप ऑफ लिगेंड्स को डिस्कस करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होंगे. अब हमने देखा था लास्ट उसमें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल हमने पढ़े थे उसमें NH3 को हमने एज लिगेंड यूज किया था, अमोनियम मॉलिक्यूल को, तो उसको यहाँ पे अमीन बोला जाता है. ठीक है, तो ये लिगेंड्स क्या है, बेसिकली इनको हम डेंसिटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं.
लीगेंड्स वो हैं जो मेटल के आसपास उसको सराउंड करेंगे, ठीक है। जैसे उस वाले कोबाल्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या था, एनएसटी के 6 मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे थे, तो वो 6 के 6 क्या है, उसके लीगेंड्स है। ऐसे ही लीगेंड्स और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए हम डेंटिसिटी का यूज करते हैं। डेंटिसिटी क्या है, कितने डोनर एटम से जो लीगेंड है वो मेटल से जुड़ा हुआ है वो उसकी डेंटिसिटी है। जैसे एनएसटी है, एनएसटी कैसे जुड़ेगा मेटल से, जब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो वहां पे नाइट्रोजन से ही सिर्फ एनएसटी का जो मॉलिक्यूल है अमीन वाला वो जुड़ रहा है, तो वहां पे जो डोनर एटम है वो 1 है, तो वो होगा डेंटिसिटी 1, दैट इज यूनिडेंट। तो डेंटिसिटी जितनी होगी, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे उसी के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर देंगे। जैसे अगर डेंटिसिटी 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड, जैसे कि ये इन सब एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ऐसे ही डेंटिसिटी जब 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे बाइडेंटेड, जब डेंटिसिटी 3 होगी तो उसको बोलेंगे ट्राइडेंटेड, ऐसे ही टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। इन सबके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज हो सकते हैं। सो यूनिडेंटेड अगर लीगेंट्स की बात की जाए तो यूनिडेंटेड लीगेंट्स में आता है हमारा सीएल, जिसको हम क्लोरो बोलेंगे। जब नेमिंग होगी आयुपाक में इसका नाम होगा क्लोरो, एंड ये नेगेटिवली चार्ज होता है सीएल माइनस। ऐसे ही जो सेकेंड हमारा यूनिडेंटेड लीगेंट है वो H2O, इसमें क्लोरीन अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो यूनिडेंटेड यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू जो डोनेशन है लोन पेयर का वो होगा, सो ये भी क्या है यूनिडेंटेड। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम कहते हैं एक्वा। थर्ड इज NH3, अमीन नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा, न्यूट्रल है, नो चार्ज प्रेजेंट। द नेक्स्ट इज कार्बोनिल CO, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसका डोनेशन होगा, ओके, एंड इट इज ऑल्सो न्यूट्रल। ऐसे PH3 फॉस्फीन न्यूट्रल होता है, एंड OH- हाइड्रोक्सो इट इज नेगेटिवली चार्ज। सो ये हमारा एग्जाम्पल है यूनिडेंटेड लिगेंड के, मतलब जो एक डोनर एटम से अपना मेटल से जुड़ेंगे, ठीक है। बाइडेंटेड क्या है, बाइडेंटेड वो लिगेंड्स है जिसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जो डोनेशन होगा या जो लिगेंड मेटल से जुड़ेगा वो 2 एटम से जुड़ सकता है एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे इथाइलिन डाइमीन EN। इसका अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2। तो इसमें आप देखिए कि इसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो ये दोनों ही अपने लोन पे मेटल को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लिगेंड हुआ, बाइडेंटेड। ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इसमें भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड मीन्स 3 डोनर साइट शुड बी प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल है डाई इथाइलिन ट्राइमीन डाई EN, ओके। इसमें देखिए तो ये यहां से NH2 का लोन पे डोनेशन कर सकता है, ये NH वाला डोनेशन कर सकता है, ये NH2 का मॉलिक्यूल डोनेशन कर सकता है, तो 3 डोनर एटम्स इसमें प्रेजेंट है, सो इट इज टेट्राडेंटेड। लास्ट एग्जांपल जिसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज हेक्साडेंटेड। इसका एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। ये जो हमारा इथाइलिन डायमीन था ना, इसी में जो 4 हमारे हाइड्रोजन थे उसको हमने क्या किया, एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला हमारा मॉलिक्यूल बन गया। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही डोनर साइट्स थे, है ना, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट थे, यहाँ पर हम बस 4 हैं, 2 तो नाइट्रोजन के डोनर एटम्स हो गए और जो एसीटेट के ऑक्सीजन है वो भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन मिलके टोटल 6 डोनर एटम्स बनाते हैं, सो दैट इज वाई इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो इज हेक्साडेंटेड। ये हो गया हमारे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब जैसे लिगेंड्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऐसे और भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, अब एक एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके, एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम उसे बोलते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है, जैसे इन दिस एग्जाम्पल CuNH3CO4Cl2, यहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो ये वाला पोर्शन है ना, जो उसके अलावा अगर कुछ बाहर लिखा है तो उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है दैट विल बी काउंटर आयन, एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी विल बी नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकंड, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है वो ट्रांजिशन मेटल का होता है, जैसे यहाँ पे कॉपर हो गया, यहाँ पे आयन हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, ये सब क्या है हमारे सेंट्रल मेटल एटम। थर्ड इज लिगेंड्स। लिगेंड्स हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया, अभी लास्ट टॉपिक यही डिस्कस किया कि लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको डेंटिस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, क्या उनपे चार्ज होता है, कैसे वो बॉन्ड करते हैं, ओके।
फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर ही हमने सेकेंडरी वैलेंसी में भी डिस्कस किया था, जो वर्नर ने दी थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. सो हेयर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चार एनर्जी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर. हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स बिकॉज ऑफ सिक्स सी एन माइनस लिगेंड. और यहाँ पे क्या है, यहाँ का बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा ई एन है दैट इज इथाइलिन डायमिन दैट इज आर बाइडेंटेड लिगेंड. मतलब एक ई एन का मॉलिक्यूल दो डोनर एटम से जुड़ा है, मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर दो है एक के थ्रू. और क्योंकि यहाँ पे तीन है सो दैट इज वाई थ्री टू जो सिक्स, मतलब सिक्स डोनर एटम्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स. यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्लियर. नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में क्या बताता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना उसके अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किस तरह से अरेंज है ना. जो सेंट्रल मेटल है उस जो सेंट्रल मेटल है उसके चारों तरफ जो डोनर एटम्स है वो कैसे अरेंज है. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एनएचसी फोर, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देता है. अब ये हमें पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो या तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा. कैसे डिसाइड होगा वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा तो पॉलीहेड्रा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल. कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव होगा तो पॉलीहेड्रा क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. यही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं ये हम सीख लेते हैं एक बार. जैसे ये एग्जांपल है CO NH2 3 प्लस, तो जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं. अगर मैं कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, हमारे कोबाल्ट है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो उसको हम मान लेंगे अज्यूम करके X. सो X अगर कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसमें हम धीरे धीरे जितने भी लिगेंड्स होंगे उनपे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उनको एड करेंगे और उसको इक्वल टू पुट कर देंगे जो पूरा हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज है. ओके So, यहाँ पे जो हमारा NH3 है हमने लिगेंड्स में डिस्कस किया था. जो NH3 होता है अमीन होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल एटम. सो यहाँ पे जीरो हो जाएगा. कितने भी एटम्स हो बट NH3 पे जीरो चार्ज है तो जीरो इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द एंटिटी इट इज प्लस 3. सो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या गया, वो गया प्लस 3. इस ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन भी करते हैं जब नेमिंग करते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे वाला इसमें जो काउंटर आया ना उसके चार्ज को भी हम पुट करेंगे. जैसे K के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, प्लस. ठीक है, इसके अगर हम इसको देखें ना तो यहाँ पर 4K प्लस है तो ये कितना चार्ज देंगे, प्लस 4. Fe का मान लिया हमने X, Cn का मान लिया -1 तो -1 × 6. और अब क्योंकि इसको हमने काउंट कर लिया तो इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ नहीं है तो ये हो गया 0. ये हो गया हमारा एक्स -2 = 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2. तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मेटल एटम या आयन का. सो ये टर्म्स हमारी क्लैरिफाई हो गई. अब जो भी कोऑर्डिनेशन कंपोजिटिविटी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने डिस्कस कर ली. बट एम्बिटेंट लिगेंड भी एक टॉपिक है जो लिगेंड से रिलेटेड है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो लिगेंड्स क्या होते हैं, जितने दोनों एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है ना लिगेंड्स के लिए. ऐसे जैसे बाइडेंटेड में क्या होता है, दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे. ट्राइडेंटेड में तीन डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे. अब एम्बिडेंटेड लिगेंड हम अलग से पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या खास है. इसमें ये स्पेशल है कि इसमें डोनर एटम्स होते तो एक से ज्यादा है, डोनर एटम्स दो प्रेजेंट होंगे बट वो एक साथ नहीं जुड़ेंगे. जैसे इथाइलिन डायमिन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम एक साथ मेटल से जुड़ सकते थे. यहाँ पे एक ही कंपाउंड में, एक ही लिगेंड में दोनों प्रेजेंट होंगे डोनर एटम्स बट एक टाइम पे एक से ही जुड़ेगा. कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ये नाइट्रो वाला NO2- हमारा लिगेंड है, ये मेटल से नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है अपना लोन पेयर डोनेट करके, या फिर अगर दूसरे वाले में देखें तो ये ऑक्सीजन से दो लोन पेयर डोनेट करा के भी मेटल के थ्रू जुड़ सकता है. सो इसमें दो डोनर एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तो नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा, दोनों से एक साथ डोनेशन नहीं हो, ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सीजन से ही. जब नाइट्रो से जुड़ता है तो इसका नेम अलग हो जाता है, जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो अलग हो जाता है. इसको हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे. HCl- में क्या है, इसमें भी यही है कि इसमें सल्फर के थ्रू भी डोनेशन होता है उसके लोन पेयर के थ्रू भी, और जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर के थ्रू भी डोनेशन हो सकता है. तो एक बार मेटल को सल्फर लोन पेयर दे रहा है तो वो अलग बन जाएगा और जब नाइट्रोजन देगा तो वो अलग कंपाउंड फॉर्म होगा. यही है हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस कर ली है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स.